हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी अपनी कृपा सदा आप लोग के ऊपर बनाए रखे और हमारे ऊपर भी। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने नहा लिया है। अब मैं जाती हूँ पूजा करने, मंदिर में पूजा करनी है मैंने। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आगे का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करेंगे। जी चटाई बिछा लेते पहले। और मम्मी यहाँ पे मंदिर के लिए फूल तोड़ के ले आई थी बाहर से। ये मम्मी ने फूल तोड़ के रख दिए मंदिर के लिए और ये दूब रखा हुआ है। अच्छा, ये गणेश जी को चढ़ाने के लिए। तो बाकी तैयारी तो मेरी कल रात ही हो गई थी मंदिर सजाने की। अब हम करते हैं पूजा स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जोत जलाने का सामान निकाल लेती हूँ। रुई हो गया, घी, तेल, धूप, ये चीज़ें। और उसके बाद हम अपनी पूजा आगे को स्टार्ट करेंगे। सारा सामान मैंने निकाल दिया अभी पूजा का, दिए बनाने के लिए और टिक्की पिठा के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं जो मेरी मंदिर की पूजा की थाली थी वो साफ़ कर देती हूँ। धोई हुई है ना, तो इसलिए थोड़ा गीली थी, तो इसको मैंने साफ़ कर दिया था। और फ्रूट जो थे मंदिर में वो भी चढ़ा दिए थे और फूल भी मैंने चढ़ा दिए थे भगवान जी को। और यहाँ पे अब मैं जोत की तैयारी कर रही हूँ। जोत जलाने के लिए बत्ती जो होती है उसको मैं हाथों में बाँट रही हूँ अच्छे से। और जितने अच्छे से बाँटोगे ना उतनी अच्छी जोत जलती है। और अभी यहाँ पर मैं टीका लगा लेती हूँ। बोले तो पिठा, हमारे पहाड़ में पिठा बोलते हैं। तो खुद को लगा लिया पहले और उसके बाद जाके भगवान जी को भी लगा रही हूँ। सारे मंदिर में जितनी भी फ़ोटोज़ हैं मैंने कल रात सारी साफ़ करके रखी थी, तो सवेरे उन सब पे टीका लगा लेती हूँ। मेरी हो चुकी है पूजा, मैंने पूरी कर ली। और ईशु भी उठ चुकी है, तो मैं सोचू ईशु को भी नहला के रेडी करके ये भी मत्था टेक लेगी मंदिर में। और अभी नाश्ते की तैयारी करती हूँ। उसके बाद हाँ, फास्ट हम लोगों का नहीं है, हम लोगों ने इस बारी फास्ट नहीं रखना, किसी ने भी नहीं रखा है। क्योंकि पापा को ना अभी 1 ईयर नहीं हुआ है गए हुए, तो जब तक पापा को साल भर नहीं होता जाए हुए तो हम लोग कोई भी व्रत वगैरह नहीं रख सकते। तो इसीलिए हमने फास्ट नहीं रखा है, सिर्फ पूजा वगैरह हम लोगों ने कर ली। और अभी मैं नाश्ते की भी तैयारी करती हूँ, देखती हूँ क्या बनाते हैं नाश्ते में आज। जी नहीं, पहले नहीं नहीं फिर उसके बाद खाना। अभी कहती पहले ना खाना बनाओ फिर मुझे नहलाना, पहले आपको नहलाऊंगी फिर खाना बनाऊंगी, समझ में आई बात। फिर मंदिर में मत्था भी टेकना है। तो चलिए फिर मैं ईशु को नहला देती हूँ पहले। तो जी ईशु भी नहा के रेडी है, ईशु को मैंने रेडी कर दिया है। चलो हो गया रेडी, अब क्या करना है आपने। आज मंदिर में जय करोगे आज, फिर टीका लगा देती हूँ मैं आपके। नहीं खुद नहीं, खुद गंदा लग जाता है, आपको आता है लगाना। आपको पता भी नहीं है कैसे लगाती हूँ। नहीं नहीं मैं लगाऊंगी आपका टीका, आप पूजा करो बस, जय करो भगवान जी को। वेरी गुड, आरती भी ले लो। चलो टीका लगा देती, इधर आ मेरी जा। ना जा, खुद नहीं खुद गंदा हो जाता है। अभी मैंने आपको इतना अच्छे से रेडी करा हुआ है ना। मैं ऊपर ऊपर से लगाता है। मैं लगाऊंगी, कहाँ लगाना है? ऐसे 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 ऊपर ऊपर। क्यों ऐसे ऐसे लगाओ? कैसे? अच्छा खड़े मैं, छोड़ो फिर। अब देखो आपने खराब कर दिया ना, पर ऐसे ऊपर ऐसे नहीं लगाती छी, अच्छा नहीं लगता। ऐसे छोटा छोटा करके लगाते ना। हाँ वो भी बांधना था, मैं बांध देती हूँ आपके हैंड में। इधर को देखो, अभी नहीं बांधना, अभी बांधते हैं। इधर को देखो,
अरे अरे चलो दो, रोली मोली दो, दो। आराम से, दिया मत गिराना, खोलो उसको। आपको नहीं पता चलेगा इशु, नहीं लाई हूं मैं। तो जी मैं अभी इंस्टीट्यूट से आई हूँ, मैं मेकअप क्लास गई थी, तो जिसने मेरे से कहा था लॉलीपॉप लेके आना, मैं लाना भूल गई, ऐसी आ गई जल्दीबाजी में, तो अब रो रही है। अभी जाएंगे ना थोड़ी देर में मार्केट, फिर ले आऊंगी। तो जी बस मेकअप इंस्टीट्यूट गई थी, अभी 2:30 बजने वाले होंगे ऑलमोस्ट, कितना हो रहा है, 3 बज चुके हैं और अभी मैं घर पहुंची। वैसे तो क्लास 2 बजे तक होती है, पर आज हमारा डेमो था फैंटेसी लुक का, तो इसीलिए लेट हो गया, 3 बज गए। तो इधर आओ ना, फिर मैं लाउड लेकर आऊंगी अभी, और अब मैं खाना खाऊंगी, दिन का लंच जो था वो करूंगी। भूख भी मुझे लग रही है, सुबह भी मैंने थोड़ा सा ही खाना खाया था, तो अभी मुझे भूख लग रही है, तो मैं जल्दी से पहले लंच कर लेती हूँ। ईशु सब देख रहा है आपको, तोड़ो तोड़ो, बाहर फेंक के आ जाओ चेयर। तो चलिए पहले जल्दी से लंच कर लेते हैं, देखते हैं जरा क्या बना रखा है आज खाने में। मम्मी ने बनाया होगा आज खाना, दिन का खाना ज्यादातर मम्मी बनाती, क्योंकि मैं 2 बजे तक आती हूँ ना, इसीलिए खाने में क्या है? इशु खाने में क्या है जाना जी? ये क्या है, भटकी दाल? अच्छा, और चावल? तो आज खाने में बना है भटकी दाल और चावल, और भटकी दाल इशु की फेवरेट है ना इशु? अभी रात के खाने की तैयारी चल रही है मेरी, इस पे मैंने कुकर में दाल रखी हुई है, ये मूंगी दाल है, मम्मी ने बनाई थी, और आटा ये रहा, आटा लगा के रख दिया मैंने। बस मैं अभी रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी, 8 बज गए, तो मैंने सोचा रोटी बना देती हूँ, क्योंकि कल तो ऑफिस जाना है इन्होंने, इशु ने भी स्कूल जाना है, तो सुबह थोड़ा टाइम से उठना पड़ेगा। 2-3 दिन से बड़े आराम से उठ रहे थे हम लोग, छुट्टी थी ना इसीलिए, बट अब कल से ऑफिस है तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, तो मैं सोचा फटाफट रोटी बना के खा के टाइम से सो जाएंगे।